हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद इस्लाम काजी। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं साइकिलिंग करने के लिए रेडी हूँ। और अभी 4-5 दिन से कोई व्लॉगिंग नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। चलिए शूज़ पहनते हैं, रेडी होते हैं और चलते हैं साइकिलिंग करने। करीबन 4-5 दिन के बाद आज ये शूज़ रखे हुए मेरे पहनता हूँ और रेडी होकर निकलता हूँ। वेलकम बैक गाइस। साइकिलिंग करते करते तो भूल गया था व्लॉगिंग भी करनी है। और पूरे 5 दिनों के बाद मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और साइकिलिंग करने में बॉडी भी बहुत हिट कर रही है आज, क्योंकि वापस से 15 किलोमीटर रूटीन आने में बहुत टाइम लगता है। 5 दिन भी छूट जाता है तो ऐसा लगता है बॉडी रेस्ट में चली जाती है पूरी तरीके से। और पानी भी गिरा था कल रात में थोड़ा सा, रोड भी भीगी हुई है, मौसम भी अच्छा है, चिल्ड ठंडा, मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करने में। साइकिलिंग करते हुए पहुँचते हैं अपन ग्राउंड। और बाकी माहौल तो बहुत प्यारा है, लोग कुछ आजकल घूमने दिख नहीं रहे, घूमते हुए कोई नज़र भी नहीं आ रहा है, कम ही लोग दिख रहे हैं घूमते हुए। और ये सामने पता नहीं किसका घर तोड़ दिया गया नगर निगम में। और ये आ गए हैं हमारी ग्राउंड के पास। यहाँ से राइट लेके टेक अंदर अपन चलते हैं ग्राउंड के मेन गेट की तरफ। और ये है सामने ग्राउंड का गेट, लगाते हैं साइकिल को पार्किंग में और फिर चलते हैं गेट, देखते हैं आज गेट खुला कि नहीं खुला, वरना आज भी गेट खोद कर जाना पड़ेगा। और ये पहुँच गए अपन आज पूरे 5 दिनों के बाद। और अब गेट खुला है, ये साइड वाला छोटा ला खड़ी करते हैं साइकिल और चलते हैं ग्राउंड में। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं ग्राउंड में, हाँ अच्छे लोग आ गए हैं, खेल भी रहे हैं लोग फुटबॉल बाकी लोग। और साइड में कोई नहीं, अपन करते हैं अपनी एक्सरसाइज रनिंग करने के बाद में मिलते हैं। एक्सरसाइज रनिंग कंप्लीट हो गई है मेरी और अभी फुटबॉल के लिए टीम बैठ रही है। एक्सरसाइज रनिंग कंप्लीट करके अभी बैठा हूँ और ग्राउंड में सब आ गए, फुटबॉल खेलने की रेडी है, बैठा हूँ मैं तो। और अभी जिम भी नहीं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दूसरी जिम ज्वाइन करना है मुझे। और फोकस, हाँ साइड से बहुत ज़्यादा हो आ रही है। बैक टू होम है, जूते उतार दिए, ये रखा है कैप और एयरफोन, नाश्ता करते हैं पोहा चाय, देखिए चाय अपनी। लो जल्दी आओ, फिर तुमने नाखून मारे, ये देखो ये मारे तुमने नाखून ने बाहर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहम्मद इस्लाम काजी। और आज मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने, मैं, मम्मी, भैया और पापा को सेकंड डोज लगना है, मेरे को फर्स्ट डोज लगना है। और देखते हैं सेंटर में कैसी क्या भीड़ है, नहीं है, वैक्सीन लगवाना है आज, स्लॉट मिल जाए तो अच्छा है, भीड़ नहीं रहनी चाहिए। स्लॉट तो बुक नहीं करा है, डायरेक्ट जाके लगवाता हूँ। मौसम भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, पानी 2-4 दिन से गिरा नहीं है, आज धूप भी बहुत तेज़ है, देखते हैं। अभी ये चलते हैं यार्ड के वंदा हॉल वाले सेंटर में, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मेरा तो मन नहीं हो रहा है यहाँ पर लगवाने, चल के मार्केट वाले सेंटर में देखते हैं कैसी क्या भीड़ है। और मार्केट वाले सेंटर में आ गया हूँ, यहाँ तो भीड़ बहुत कम है, दो घंटे में जा करके आ गई यहाँ तक आ गया हूँ, अब पता नहीं 1 घंटे के अंदर पहुँच पाऊँगा कि नहीं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। हाँ चलो, आखिर नंबर आ ही गया मेरा, अभी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। और देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, ये भाई भी बहुत देर से वेट कर रहा था मेरे साथ, शुभम भाई, इसका कोविशील्ड वैक्सीन का फर्स्ट डोज इसे भी लग रहा है, इसके बाद मैं भी अपना लगवाऊंगा और मेरा भी नंबर आ चुका है। चलिए मेरी बारी है, मैडम बोल रही है कि अपना रजिस्ट्रेशन जो भी उनका है फॉर्म फिलअप कर रही है, डिटेल्स सबमिट लिखकर। मैं वेटिंग लिस्ट में था, इतनी देर से बैठा था, समझ में नहीं आ रहा था करूँ क्या ना करूँ, फिर इतने में मैडम का कॉल आ जाता है।
और इस टाइम पर मैडम से बोल रहा था कि मैम धीरे से लगाना, मैं बहुत दिनों बाद इंजेक्शन लगवा रहा हूँ, और मैडम भी बहुत मज़े ले रही थी मेरे। और मेरा कोविशील्ड का फर्स्ट डोज कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं वेटिंग सेंटर में, बैठते हैं ऑब्जर्वेशन में आधे घंटे के लिए। और दो टैबलेट दी मुझे पैरासीटामोल की, बड़ी मेहनत के और मशक्क़त के बाद, दो घंटे की मेहनत के बाद आज मुझे कोविड वैक्सीन का डोज लग चुका है, फर्स्ट डोज। और चलते हैं ऑब्जर्वेशन रूम, बैठते हैं, कोई तो है नहीं वैसे, अपन ही बैठ के थोड़ी देर चलते हैं। पेन खाली मुझे ही हो रहा है, मम्मी को, भैया को, किसी को पेन नहीं हो रहा है हाथ में, मेरे ही हाथ में पेन हो रहा है, तो पता नहीं क्या है। वैक्सीन तीनों को सेम लगी, कोविशील्ड, और अब 84 डेज के बाद ही सेकेंड डोज लगेगा मुझे भी, मम्मी को भी और भैया को भी, देखते हैं। यहाँ यार्ड के सेंटर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं तो लाइन में लगा ही नहीं, मैं तो मार्केट चला गया था। मार्केट साइड के सेंटर में कम भीड़ थी और अच्छी वो भी थी, व्यवस्था वगैरह बैठने की और फैन एंड सब कुछ लगे थे। दो वीक से ऊपर भी हो चुके हैं, अभी तक मैं जिम भी नहीं गया हूँ, जिम भी बंद चल रही है मेरी, तो सोच रहा हूँ रिवर्स जिम ज्वाइन करूँ दूसरी, और फिर मिलते हैं जिम में भी, बैक टू रूटीन आ जाएंगे। गया एक हफ्ते गया और फिर मैंने छोड़ दी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इस कारण मैंने छोड़ी थी, फिर वो हैबिट में ही नहीं आई मेरे। और साइकिलिंग करने जा रहा था, फिर साइकिलिंग करते करते वही तबीयत खराब हुई, तो फिर साइकिलिंग करने भी नहीं गया, अभी दो दिन हो गए, रूटीन पर आ गया था रिवर्स साइकिलिंग करते करते, फिर छूट गई यार चीज़, पूरे रूटीन पर रिटर्न आना है मुझे अपना। जितना मैंने फैट लॉस करा था ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है मेरा फैट। सिर्फ एक आध चीज़ होती है जिम ज्वाइन करने के बाद, जिम छोड़ दो और जो फैट लॉस करा है वो फैट फिर से बढ़ जाए आपका, तो बहुत मुश्किल होती है फैट लॉस करने में दोबारा, डाइटिंग फिर से स्टार्ट करना और सब चीज़ बैक टू ऑन ट्रैक आना बहुत मुश्किल की बात होती है। ब्राउन मुंडे को तुमको समझ में नहीं आ रही घर के अंदर नहीं जाने का, बाहर खाना खाने का, नहीं मारेंगे नहीं हम तुमको, गंदी बात होती मानो, देखो काट रहे तुम्हें, गंदी बात, ये तक गंदी बात हो रही है ब्राउन मुझे, खुजली 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 खुजली, गुदगुदी गुदगुदी, क्यों गुदगुदी 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 गुदगुदी, अरे गुदगुदी एक गुस्सा आ गया, देखो देखो गुस्सा नहीं, क्रिकेट खेल के रिटर्न घर आ गया हूँ और मुझे थोड़ी थोड़ी वीकनेस लग रही है और कुछ नहीं लग रहा है, बाकी तो फीवर वीवर कुछ आया नहीं, बस चाय पी ली और कुछ नहीं, चाय पी के बैठा हूँ। चलते हैं पापा को टिफिन देने गाड़ी स्टार्ट करके। टिफिन देना आया था, टिफिन दे दिया, टिफिन दे के चलते हैं पार्किंग में और रिटर्न घर। स्टेशन पूरा खाली है, कोई अपनी ग्रोथ से नहीं चल रहा है जैसा था पहले, और पूरा देख लो खाली है, आज स्टेशन कभी खाली नहीं रहता था लेकिन आज देखो पूरा सन्नाटा पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी।